क्या सच में अजीत डोभाल के प्रतिनिधिमंडल से मिले हैं नवाज शरीफ? क्या भारतीय सेना की टुकड़ी से भी मिले हैं पूर्व पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ? नमस्कार, मैं हूं अजीत और आप देख रहे हैं भारत तक। एक खबर ट्विटर पर इस कदर छाई है कि बस हर तरफ इसी की चर्चा है। खबर है नवाज शरीफ के अजीत डोभाल के प्रतिनिधिमंडल और सेना की टुकड़ी से मिलने की। तो क्या सच में ये मुलाकात हुई है? इस खबर का चलिए करते हैं पड़ताल और जानते हैं कि आखिर सच क्या है। दरअसल ट्विटर पर एक खबर लगातार छाई हुई है कि अजीत डोभाल के प्रतिनिधिमंडल से पूर्व पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ मिले हैं और इसको लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इन दावों में कितनी सच्चाई है इसका विश्लेषण हम अभी करने वाले हैं। इन खबरों के दावों में कितनी सच्चाई है इसकी पूरी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देंगे। 5 अक्टूबर को सुहैब साकिब नाम के एक ट्विटर यूजर ने एक ट्वीट करते हुए लिखा कि ब्रेकिंग न्यूज, मैं कंफर्म कर रहा हूं कि नवाज शरीफ ने उस प्रतिनिधिमंडल के 3 लोगों से मुलाकात की जिसे अजीत डोभाल ने भेजा था और उसमें भारतीय सेना की टुकड़ी के भी लोग थे और ये सब हुआ 4 सीजन होटल पार्क लेन लंदन में। मेरे पास सभी सबूत हैं। जनाब सुहैब साकिब ट्विटर पर एक वेरीफाइड यूजर है यानी ब्लू टिक वाले हैं, लेकिन इसके बावजूद वो भ्रम फैला रहे हैं। इसके बाद सैयद कौसर काजमी उस ट्वीट पर जवाब देते हुए लिखते हैं कि मेरा नाम है कौसर काजमी और मैं एक पत्रकार हूं, ना कि भारतीय सेना की टुकड़ी, और ये जगह 4 सीजन होटल नहीं बल्कि हाइड पार्क लंदन है। जिसके बाद जनाब ने ट्वीट डिलीट कर दिया। मतलब मानिए या ना मानिए, गुरु खौफ तो पाकिस्तान में अजीत डोभाल के नाम से बहुत है। इस आपाधापी में एक पत्रकार ने इन दोनों के ट्वीट्स को कंपाइल करके एक ट्वीट किया जिसमें बताया कि पाकिस्तान के लोग किस तरह के दावे कर रहे हैं। ये दावे वो हैं जो दिखाते हैं कि लगातार पाकिस्तान के लोग हो या फिर वहां की सेना या सरकार, सब अजीत डोभाल पर, भारतीय सरकार पर और भारतीय सेना पर भ्रम फैलाने वाले खबरें लगातार प्रसारित करते रहती हैं। अब एक और खबर है पाकिस्तान से कि वहां के लोगों ने रोटियां खाना छोड़ दिया है और शादियों में रोटियां गिफ्ट की जा रही हैं। पाकिस्तान में 1 किलो गेहूं की कीमत 60 रुपए तक पहुंच चुकी है और पाकिस्तानी मीडिया में छपी खबरों के अनुसार इस समय 40 किलो के गेहूं के बोरे की कीमत 2400 रुपए है। इस समय देश में सब्जियों के भाव भी 7वें आसमान पर हैं। सितंबर 2020 में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 9% रहा। पाकिस्तानी सरकार रूस से 2 लाख मीट्रिक टन गेहूं आयात करने जा रही है जो इस महीने के अंत तक पाकिस्तान में पहुंच सकता है। पाकिस्तान में सिर्फ गेहूं ही महंगा नहीं है बल्कि टमाटर, आलू, प्याज, चीनी और कई आवश्यक चीजें जो हैं वो महंगी हो गई हैं, क्योंकि इनके दाम तेजी से बढ़ रहे हैं और सब्जियां जो हैं वो थाली से गायब हो रही हैं।